कि उड़ीसा ने लोकसभा में 21 की 21 सीटें मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को देने का निर्णय कर लिया है। और ऐसे ही इस बार नवीन बाबू को आराम देने का मन और बीजेपी को काम देने का मन उड़ीसा की जनता ने बना लिया है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने का भुवनेश्वर में भी मन बना लिया है, ये बात स्पष्ट दिखती है। मित्रों, 10 साल में मोदी जी ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति, भारत का चाल चरित्र, भारत की राजनीति की परिभाषा सब कुछ बदल डाली है। 10 साल पहले आप सब लोग कहा करते थे इस देश में कुछ नहीं बदलेगा। 10 साल पहले आप सब लोग कहा करते थे राजनीति ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में भारत की राजनीति, भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का तौर तरीका, रंग ढंग, चाल चरित्र सब कुछ बदल डाला है। और आज साधारण आदमी मोदी जी के नेतृत्व में अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा। यह बदलता भारत हमने देखा है, यह बदलता भारत हमने देखा है। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।